के कोणों का अनुपात 3:4, 5:6 है। सबसे छोटे कोण का मान बताना है। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे हम मान लेते हैं कि चतुर्भुज के चार कोण ए बी सी और डी हैं। चारों कोण में अनुपात यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो चारों कोण में अनुपात दिया है दोस्तों 3, 4, 5, 6। तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3:4, 5:6। तो सबसे पहले हम अनुपात को यहाँ हटा देते हैं। तो ए का मान यहाँ निकल के आएगा 3x, ए का मान हो गया 3x। उसी प्रकार से यहाँ बी का मान निकालेंगे दोस्तों, बी का मान निकालेंगे तो बी का मान हो जाएगा 4x। फिर उसी प्रकार से हम सी का मान निकालेंगे तो सी का मान हो जाएगा 5x। फिर उसी प्रकार से निकालेंगे यहाँ डी का मान तो डी का मान हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो चारों कोणों को जोड़ के यहाँ 360 अंश लिखते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबका मान रख देते हैं। ए का मान रख देता है यहाँ पे 3x, बी का मान रख देता हूँ 4x, प्लस सी का मान रख देता हूँ 5x, प्लस डी का मान यहाँ रखेंगे, डी का मान यहाँ पे दोस्तों दिया है 6x और बराबर 360 अंश। तो इसको जोड़ लेता हूँ 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18x बराबर मिल गया 360 अंश। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 18 से काटेंगे इसको, ये 20 बार जाएगा, x का मान आ गया 20 अंश। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान बताइए। तो सबसे छोटा कोण इसमें कौन सा है, 3x है। सबसे छोटा कोण ए है जिसका मान है 3x। तो इसी में हम x का मान रख देंगे, छोटा कोण पता चल जाएगा। तो सबसे छोटा कोण यहाँ हो जाएगा ए बराबर 3x, ए का मान हो जाएगा 3 × x का मान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 20, तो ए का मान मिलेगा 60 अंश। तो सबसे छोटा कोण हमारे पास आया 60 अंश। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।